नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गरीब और दलितों के लिए झूठा वादा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिया। एक तरफ गरीब और दलितों की बात करते हो और दूसरी तरफ दलितों को मारने और पीटने वालों को आप टिकट देने के लिए बुलाते हो। आपका क्या जाता यदि एक टिकट उसे नहीं देते तो? एक आदमी ऐसी विचारधारा का हो, पार्टी में हो, उसे जगह नहीं देनी चाहिए। यहाँ मारो और पीटो और जाकर बीजेपी से टिकट लो। खटके भरतपुर के वेर और अलवर के तिजरा में सभा को संबोधित कर रहे थे। खटके ने कहा कि सभी लोग मिलकर मारने और पीटने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमपी में जाओ, एक आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब कर दिया, वहाँ के शिवराज चौहान पैर धोते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। क्या ऐसा करने से पाप धुल जाता है? ये कलंक बीजेपी के ऊपर से भी नहीं जाएगा। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। केंद्र सरकार राजस्थान से भेदभाव कर रही है, ईआरसीपी को लेकर मुद्दा बनाओ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम बोले, हमारे स्कीमों को बदल बदल कर लिखा गया, इसे लेकर कोई होमवर्क नहीं किया गया। वादा किया भविष्य में किसानों की ज़मीनें कुर्क नहीं होंगी। चुनाव आए हैं तो पीएम और अमित शाह भी आएंगे और झूठे वादे भी करेंगे और लोगों को भड़काएंगे भी, हमारे स्कीमों पर चर्चा नहीं करेंगे। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।